गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। गर्मियाँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोगों की एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि वो सुबह उठते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत पीक पे है, सो वो ब्रेकफास्ट स्किप करके चले जाते हैं क्योंकि कुछ भी गर्म गर्म खाने का मन ही नहीं है। कुछ ठंडा सा चिल्ड सा मिल जाए सो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज 90% लोग जो होते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है वो स्किप करके जाते हैं कि सुबह सुबह इतना गर्म खाने का कुछ भी मन नहीं है, कुछ चिल्ड सा दे दो और फिलिंग भी हो और जल्दी से बन जाए और बिल्कुल हेल्दी भी हो और वेट लॉस में भी हेल्प करे। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ मेरे 3 कोल्ड सैंडविचेस जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना। रात को बना के अगर आप उसको फ्रिज में रख देंगे, बट फ्रिज में आप उसको रैप करके रखेंगे या तो बटर पेपर से या फिर आप रोटी बनाने वाले कपड़े को गीला करके उसमें रैप करके अगर आप रखते हैं फ्रिज में तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे मॉर्निंग तक। बहुत 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 ईजी है बनाना, बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज हैं, कोई भी बना लेगा एंड बहुत ही यम्मी है एंड फिलिंग है। आप उसको उठा के कैरी करके भी भागते हुए भी खा सकते हो, बट मेक श्योर आपका ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। आप इसको किसी भी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो एज पर योर चॉइस, बट मेक श्योर आप इसको ब्रेकफास्ट में लीजिए एंड ये बहुत बहुत यम्मी है। सो ये ब्रेकफास्ट हमें बनाना कैसे है, हमारे कोल्ड सैंडविचेस, चलते हैं किचन में। फर्स्ट सैंडविच हम बनाएंगे मशरूम कॉर्न और गाजर का सैंडविच। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट है ये रहे चॉप किए हुए मशरूम जिसको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रखे थे। नेक्स्ट मेरे पास ये रहे कॉर्न, आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे गाजर, ये गाजर का पानी मैंने सारा निकाल दिया, अदरवाइज ये ना बिल्कुल गीला गीला टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से टमाटर एंड अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट इज धनिया का पाउडर एंड इसको खूब अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे क्योंकि अब ये बाइंड नहीं होगा एक साथ। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर होममेड मलाई, घर की जो फुल फैट मिल्क आता है उसके ऊपर जब बॉईल कर लेते हैं हम मलाई जमती है, उसको निकाल के फ्रिज में रख लेंगे। ना मेयोनीज हम इसमें यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें कुछ और यूज़ करेंगे, कोई बाहर की चीज़, इसमें हम सीधा यूज़ करेंगे मलाई। थोड़ी सी और अच्छे से मिक्स किया, ये हो गया है रेडी। अब बनाएंगे इसका हम सैंडविच। नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, आप मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो वाइट ब्रेड ना हो। इसके ऊपर खूब अच्छे से हम ये हमारा मिक्सचर लगाएंगे। 4 ब्रेड के 2 सैंडविच बनेंगे और 2 सैंडविच आप इजीली अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। कट करते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारा सैंडविच एंड फर्स्ट सैंडविच इज रेडी। इसको हम फ्रिज में लगाएंगे, रात को बना के भी फ्रिज में लगा सकते हैं इसको अच्छे से रैप करके एंड सुबह उठ के हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सैंडविच हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी पनीर एंड टमाटर का सैंडविच। पत्ता गोभी मैंने ग्रेट करा है, उसका सारा वाटर यहाँ से निकाल दिया है। थोड़ा सा पनीर मेरे पास। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से मेरे टमाटर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी थोड़ी सी कर्ड। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट। ये डाल दिया मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर। धनिया पाउडर, इसको हम मिक्स करेंगे खूब अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे 2 ग्राम ब्रेड, इसके अंदर अब हम ये बैटर मिक्स करेंगे। ये रहा ये यहाँ पे लगाया एंड अब इसको हम कट करके, आप चाहो तो इसको बिल्कुल बटर पेपर में रैप करके फ्रिज में लगा सकते हो ओवरनाइट, या फिर आप इसको मॉर्निंग में बनाकर इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बीट रूट, अगेन इसको ग्रेट करके मैंने सारा एक्सेस वाटर यहाँ से निकाल दिया है। नेक्स्ट खीरा, इसको ग्रेट करके इसका सारा एक्सेस जो वाटर है वो निकाल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है प्याज,
ये डाले मैंने प्याज। नेक्स्ट मेरे पास है टमाटर, ये भी डाले मैंने इसमें टमाटर। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नेक्स्ट धनिया पाउडर, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी मलाई या फिर हमारा बहुत ही लाइट सैंडविच है कर्ड ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे ब्राउन ब्रेड, इसके अंदर अब हम ये अप्लाई करते हैं। अब हम इसको कट करेंगे एंड दिस सैंडविच इज रेडी। वेलकम बैक जी। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। जो जो लोगों को ब्रेकफास्ट स्किप करने का रहता है कि गरम गरम नहीं खाना, कुछ ठंडा सा चिल सा मिल जाए, उन लोगों के लिए ये रेसिपीज हैं। एंड मेक श्योर आप अपना ब्रेकफास्ट करके ही घर से बाहर जाएं। सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।